अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ समय से आपकी संसद के दोनों सदन एक तरह से रोके हुए हैं इस कोरोना महामारी के कारण। लेकिन हाल ही में संसद के दोनों सदनों के आगामी जो मानसून सत्र है इसकी बैठकों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको यहाँ बता दें कि आप देखते हैं तीन सत्र होते हैं, एक बजट सत्र होता है, मानसून अधिवेशन या जिसे हम लोग मानसून सत्र कहते हैं, ठीक है, और एक आपका शीतकालीन अधिवेशन होता है। संसद की बात करें तो इसके तीन तीन मतलब एक तरह से शाखाएं होंगी इसमें, राज्यसभा आपका, लोकसभा और आपकी राष्ट्रपति साहब शामिल रहते हैं इसमें, ठीक है। COVID-19 महामारी के दौरान संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के आगामी मानसून सत्र की बैठकों की विस्तृत अधिसूचना जारी की गई है हाल ही में। आगामी संसद सत्र की कार्यवाही में प्रश्नकाल, प्राइवेट मेंबर बिल और शून्यकाल को शामिल नहीं किया जाएगा। किसे? प्रश्नकाल, प्राइवेट मेंबर बिल और शून्यकाल को शामिल ही किया जाएगा। सरकार के प्रश्नकाल व शून्यकाल के स्थगित करने के फैसले पर विपक्षी जो दल हैं इन्होंने तीखी प्रतिक्रिया यानी कि विरोध भी जताया है। विपक्षी दलों का कहना है कि इससे लोकतांत्रिक भावना कमजोर होगी। आप भी जानते हैं एक तरह से प्रश्न करने का अगर इस तरह से संसद में कोई सब काम ना चल रहा हो, एक तरह से कार्यवाही ना हो रही हो, तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है, समझ रहे हैं आप? सरकार का कहना है कि इस बार COVID-19 महामारी के प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से आगामी मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल व शून्यकाल नहीं होंगे। इसी प्रकार लोकसभा सचिवालय की जारी अधिसूचना में बताया गया है कि स्पीकर के निर्देशानुसार सत्र के दौरान प्राइवेट मेंबर बिल के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं किया गया है। इसी तरह का प्रावधान राज्यसभा के सचिवालय की अधिसूचना में भी किया गया है। आगे बात करते हैं, पहले आपको बता दूं कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं। तो यह एक बात याद रखिए, प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब होता है कि जो मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल नहीं है उनके अलावा कोई भी अगर व्यक्ति या उसका संसद का सदस्य कोई बिल लाता है तो उसे हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल कह देते हैं। फिर चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई मंत्री लाता है तो अधिकतर देखा जाता है या तो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है या कोई इस तरह का अकेली जैसे चुना जाता है कोई भी व्यक्ति तो वो भी ला सकता है, क्योंकि अधिकतर सरकार की तरफ से मंत्री मंडल ही लाते हैं इसे बिल को। और याद रखिए, बिल जब तक राज्यसभा और लोकसभा में रहता है तब तक इसे बिल कहते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति मिलती है ये अधिनियम में यानी कि एक्ट में बदल जाता है बिल, ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद। अब बात करते हैं क्या होता है आखिर प्रश्नकाल। भारतीय संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में लोकहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने और उस पर जवाब मांगने के लिए प्रश्नकाल की व्यवस्था की गई है। प्रश्नकाल के दौरान कोई भी सदस्य सरकार से जनहित में कि किसी भी मुद्दे पर मौखिक या फिर लिखित जवाब मांग सकता है। प्रश्न पूछने का मूल जो उद्देश्य होता है लोक महत्व के मामले में जानकारी प्राप्त करना होता है और इस स्थिति में प्रश्नकाल का महत्व काफी बढ़ भी जाता है। संसद के दोनों सदनों में संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा यानी कि 11 से 12 बजे तक का समय आपका प्रश्नकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? जो 11 से 12 का टाइम है सुबह का इसे हम लोग प्रश्नकाल कह देते हैं, ठीक है। इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यानी कि प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से पूछे गए प्रश्न चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। तारांकित प्रश्नों की अगर हम बात करें तो वह होता है जिसमें जिसका सदस्य सभा में मौखिक उत्तर चाहता है और पहचान के लिए उस पर तारांक बना रहता है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौखिक उत्तर के लिए एक दिन में केवल 20 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट मान लीजिए कि आप टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसे एक तरह से आप तारांकित प्रश्न कह दीजिए।
और इसमें आप लोग अनुपूरक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, यानी कि और भी क्वेश्चंस इस तरह के, और मौखिक उत्तर मिलेंगे आपको हाल ही में, ठीक है। आतारांकित प्रश्न की बात करें तो वह होता है जिसका सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है, जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर प्रश्न काल के बाद जिस मंत्री को से वह प्रश्न पूछा जाता है उसके द्वारा सभा पटल पर रखा गया मान लिया जाता है। इसे सभा की उस दिन की अधिकृत कार्यवाही वृत्तांत ऑफिशियल रिपोर्ट में छापा जाता है। लिखित उत्तर के लिए एक दिन में केवल 230 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। फिर आप एक का आता है आपका अल्प सूचना प्रश्न, वह होता है जो अविलंबनीय लोक महत्व से संबंधित होता है, जिसे एक सामान्य प्रश्न हेतु विनिर्दिष्ट सूचना अवधि से कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है। एक तारंकिक प्रश्न की तरह इसकी भी मौखिक उत्तर दिया जा सकता है, जिसके बाद अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। गैर सरकारी सदस्य हेतु प्रश्न स्वयं सदस्य ही पूछा जाता है, और यह उस स्थिति में पूछा जाता है जब इसका विषय सभा के कार्य से संबंधित किसी भी विधेयक संकल्प या ऐसे अन्य मामले से संबंधित हो जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी हो। ऐसे प्रश्नों हेतु ऐसे परिवर्तन सहित जैसा कि अध्यक्ष आवश्यक या फिर सुविधाजनक समझे पाए जाए वह प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो कि किसी मंत्री से पूछे जाने वाले प्रश्न के लिए अपनाई जाती है। इस तरह से आपके पूछे जा सकते हैं। फिर आपके दिमाग में आता है क्या है आखिर शून्यकाल? भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की बात का समय आपका शून्यकाल कहलाता है। इसका टाइम आप देखेंगे 12 बजे से लेकर 1 बजे दिन में की बात कर रहा हूं। दोपहर 12 बजे आरंभ होने के कारण से शून्यकाल कहा जाता है, 12 से 1, ठीक है। शून्यकाल को जीरो आवर के नाम से अभी आप लोग जानते हैं। शून्यकाल का आरंभ 1960 के दशकों में हुआ, जब बिना पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई। शून्यकाल के समय उठाने वाले प्रश्नों पर सदस्य तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। फिर आता है आपका मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल, इसके बारे में वैसे बता चुका हूं फिर भी जान लीजिए। गैर सरकारी विधेयक कोई को निजी विधेयक के नाम से भी आप लोग जानते हैं। गैर सरकारी विधेयक को मंत्रिपरिषद के सदस्य के अलावा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रखिए, मंत्रियों को छोड़कर कोई भी अगर व्यक्ति इन्हें इस तरह का बिल ला रहा है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कह देते हैं। फिर चाहे वो सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो या विपक्ष का व्यक्ति हो या कि किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, ठीक है। याद रखिए, जिस तरह लोकसभा या राज्यसभा में संबंधित विभागों की तरफ से मंत्रियों द्वारा बिल पास करवाए जाते हैं, वैसा अधिकार हर संसद को भी होता है। सांसद अपनी तरफ से सदन शुरू होने के बाद आने वाले प्राइवेट बिल सदन में रख सकते हैं। किसी को आप देख आप अपने क्षेत्र के हैं, आपको लगता है कि इसके मैटर में ऐसा इस तरह का बिल आना चाहिए, तो आप अपनी भी राय रख सकते हैं। इसी तरह का हर, देखिए, हर संसद को, एक तरह से सांसद को अपना अधिकार होता है, वो भी तो चुना जा रहा है। गैर सरकारी विधेयक को सदन में पेश करने के लिए 1 माह पूर्व नोटिस देना होता है। यह अधिकार राज्यों के विधानसभा विधान परिषदों में विधायकों को भी हासिल होता है। तो आप देखते हैं विधानसभा में, देखते हैं आप लोग, तो राज्यसभा जो भी होती है राज्य में, इस तरह की विधानसभा, उसमें आप देखते हैं राज्यसभा, सॉरी, विधानसभा राज्यपाल आपका होता है। कहीं कहीं आप देखते हैं विधान परिषद भी देखने को मिलती है। तो ये कहानी थी आपकी जो मानसून सत्र चलने वाला है।